वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत्संग जी। जदों भी अमृतसर साहब आओ, जिनी वारी भी आओ, एक बारी जरूर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड विखे चरण पा के जाओ और अपनियां अखां दे नाल आके वेखो किवें इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। इत्थे प्यारिओ दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा है, जिस स्कूल दे विच बच्चियां नूं दोवें तरह की पढ़ाई, गुरमत की पढ़ाई भी और दुनियावी पढ़ाई भी करवाई जा रही। CBSE स्कूल है और बिल्कुल नॉर्मल जी फीसा बच्चों को लिया जाने। इस तो इलावा इस जगह के उत्ते बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहे हैं, जिस हस्पताल दे विच 20 रुपए की पर्ची दे विच 2 दिन की दवाई और जिन्हें भी इलाज ने इको छत थले हो रहे हैं, दंदा के इलाज, अखा के इलाज, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और इस तो इलावा बच्चों के स्पैशलिस्ट डॉक्टर इतने बैठते हैं, स्किन के स्पैशलिस्ट डॉक्टर इतने बैठते हैं और जिन्हें भी इलाज ने इको छत के थले बिल्कुल लागत मुल दे नाल हो रहे और अपनी अखा नाल आके वेखो किवें तुहाडे किणके किणके दे नाल गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही, जिस रसोई के राही तकरीबन 2500 तो भी वध प्रेमी रोज़ प्रशादा छकते हैं। इस तो इलावा गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई, जिस रसोई के राही रोजाना कदी किते कदी किते जिथे जिथे भी लोड़ हुंदी है उस गड्डी दे राही प्रशादा पानी तैयार करके लोड़मंद थावां ते पहुँचाया जाता है। इस स्थान के उत्ते बाबा दीप सिंह फ्री टिफिन सेवा चल रही, जिस सेवा दे राही वह बजुर्ग जिन्हां बजुर्गों नूं बच्चियां ने घरों कढ़ दिता, असी जिहड़े सुणदे हां रोज़ असी इहो जी गलती नहीं करनी, पर जिन्हां ने अणजाण पुणे दे विच इह गलती कीती अपने बजुर्गों नूं घरों कढ़ दिता, प्यारे ओ खाण नूं उहनां दे कोल कुछ नहीं, इत्थों तक छत भी नहीं कईआं दे कोल, उहनां दे घरां दे विच दुपहर दे वेले टिफिन विच पैक करके 2 वेले दा लंगर रोज़ पहुँचाया जांदा और तुहाडे दित्ते दसवंध दे नाल प्यारे ओ हर महीने विधवा बीबियां नूं फ्री राशन देण दी सेवा भी हुंदी। और इस स्थान दे उत्ते बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही, जिस अकैडमी दे राही बच्चियां नूं गुरमत की सिक्ख्या, तबले की सिखलाई, कीर्तन की सिखलाई, गुरबाणी की संथिया, अमृत वेला संभालना, संध्या का समा संभालना, जीवन उच्चा सुचा, किरदार उच्चा सुचा किवें करना है, ये सारी सिक्ख्या दिती जांदी। और इस तों इलावा जो तुसीं किणका किणका दिंदे हो, तुहाडे किणके किणके नाल बिल्कुल दूजा यूनिट बिल्कुल नाल ही राम तीर्थ रोड दे बिल्कुल नाल ही दूसरा यूनिट जिथे जी दे आ परवान पार्क दी उसारी चल रही, TV स्क्रीन दे उत्ते सारियां वह तस्वीर चल रही ने। यह जी दे आ परवान पार्क दे विच जिथे पंछियां नूं दाणा पाउणा, खाणा पाउणा यह कम होया करेगा, उत्थे बीमार पंछियां दे इलाज दा हस्पताल भी। इस जगह दे उत्ते सरां दी उसारी कि जदों भी संगतां बाहरों आउण दर्शन करन गुरु रामदास जी दे घर दे, बाबा दीप सिंह जी दे घर दे, ते संगतां इत्थे आ के रिहायश करन, स्टेशन तो एयरपोर्ट तो संगतां दे आउण वास्ते इत्थे गड्डियां दा भी प्रबंध हो जाएगा, जो गड्डियां तुहानूं बाद विच दरबार साहिब दर्शन करा के फिर इत्थे ले आया करनगियां, इह सराम ही बन रही। इस तों इलावा इस स्थान ते बाबा दीप सिंह साहिब जी दे नाम दा वड्डा गुरु घर गुरद्वारा साहब भी और वड्डा दीवान हाल, जिस दीवान हाल दे विच 8 तों 10 हज़ार संगत दे प्रेमी बह सकन, एडा विशाल दीवान हाल उहदी वी कार सेवा प्रारंभ हो चुकी है। हुण मेरी निम्रता सहित बेनती सुनियो, यह जिन्नी भी कार सेवा चल रही है यह हो तुहाडे किणके किणके नाल दसवंध दे नाल रही है और यह मेरी बेनती प्यारिओ, कोई भी प्रेमी, कईआं दे मन दे अंदर भावना हुंदी है साडे बच्चे दा जन्मदिन या साडी मैरिज एनिवर्सरी है, असी एक दिन दी गुरु बाबा नानक जी दे रसोई दे विच लंगर दी सेवा लैनी। और इस तों इलावा जे तुहाडे मन दे दे विच इह उत्साह जागे कि असी जो बजुर्गों के लिए टिफिन की सेवा होंदी है, 2 वेले का लंगर जाता टिफिन विच पैक हो के, कोई महीने की सेवा करनी चाहे एक परिवार की, जो आप जी महीने की सेवा भी अपनी झोली च पवा सकते हो। इस तों इलावा जिहड़े हर ऐतवार ते ऐतवार चुपहरा जप तप समागम होंदे ने, जां 27 तरीक नूं चुपहरा हुंदा है, उहदे विच कोई लंगरां दी सेवा करनी चाहे, ते इस तों इलावा प्यारिओ जे तुहाडे मन दे विच आवे इत्थे सहज पाठां दा प्रवाह भी दिने रात चलदा है, तुहाडे मन च आवे कि असी खुशी दे विच कोई सहज पाठ करवाउणा है,
ते सहज पाठ भी इस अस्थान ते असी जिहड़े प्रेमी ने उन्हां दा करदे हां। मेरी बेनती है मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दिओ, और जिहड़ा बाबा दीप सिंह जी दा वड्डा दीवान हाल बन रहा है, मैं बेनती करदा आ रहा कि एक तेरी दी, दो तेरियां दी, पंज तेरियां दी, 1300 भावें 10 तेरियां, 100 तेरियां, जिन्नी गुरु ने तुहानूं वित्त दित्ती है ना, ये सारे कार्ज करोड़ां दी लागत दे नाल जो बन रहे ने ते ए उदों ही पॉसीबल ने सेवावां जदों तुसीं पूरा सहयोग दोगे। भावें एक तेरी, दो तेरियां, 50 तेरियां, 100 तेरियां, जिन्नी गुरु ने तुहानूं वित्त दित्ती, इस वेले आप जी फिर अपना दसवंध, क्योंकि कई बार असी दसवंध इहो जिहियां थावां ते भेजदे हां प्यारे हो जिथे अगे बड़े प्रबंध हुंदे ने, असलीयत दे विच दसवंध दित्ता उत्थे थाए पैंदा जिथे सचमुच लोड़ है। अपनी अखां दे नाल आके वेखो और तुहानूं बड़ी तसली होएगी, जदों वेखोगे साडा दित्ता किणका किणका सही टिकाणे लग रहा है, सही जगह दे उत्ते यूज हो रहा है। ते ए सारियां सेवावां तुसी टीवी स्क्रीन दे उत्ते अकाउंट डिटेलां चल रहियां ने, इन्हां अकाउंटां दे विच सेवा पा के आप जी स्क्रीन दे उत्ते चल रहे नंबरां दे उत्ते संपर्क कर सकदे हो कि असी इन्नी सेवा ट्रस्ट नूं पाई है तां जो तुहानूं समें सिर रसीद और सत्कार जो असी भेज सकीए। जरूरी बेनती, विदेश दीआं संगतां, इंडिया तो बाहर दीआं संगतां बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट हेठ चल रहे इन्हां कार्जां दे विच सहयोग दसवंध देण लई इन्हां नंबरां ते संपर्क कर सकदियां ने जी। अपनी सेवा तुसीं सानूं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे भी कर सकते, वो नंबर भी तुहाडे टीवी स्क्रीन ते चल रहा है 9850-99513-98150-89513। मेरी बेनती हर पल, हर घड़ी, हर एक कदम दे उत्ते तुहाडियां सीसां दी, तुहाडी बख्शीश दी लोड़ है, और मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के जदों तुसीं साथ दोगे, जिहड़ा साडा मिशन है आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा, और जिहड़ा दूजा मिशन के घट तो घट 113 थावां दे उत्ते ये यूनिट खुलण, ये मिशन विच असी कामयाब हो जाएंगे, पर होवांगे उदों ही जदों तुसीं पूरा अपने परिवारक मैंबरां दे वांग मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दोगे। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर कर देना जी, तां जो ये सेवावां दे कारज निरंतरताई दे नाल जारी रह सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु, 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 वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। धन गुरु रामदास जी, 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 सब जुड़ जाओ, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु
रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जी बाबा दीप सिंह जी, 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 बाबा दीप सिंह जी। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप सरे आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसे पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसे पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप सरे आद सच गाद सच है पी सच नानक होसे पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसे पी सच। धन गुरु रामदास जी मैं तेरा, 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 मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा। धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा, 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 मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा। धन गुरु रामदास जी मैं तेरा, धन गुरु रामदास जी मैं तेरा, धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा, धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा।
वाहेगुरु 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 सारे वाहेगुरु 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 सब दी आवाज आवे प्यारेओ वाहेगुरु 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 अजी सारे नहीं बोल रहे वाहेगुरु 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 बोले सोनिहाल सत श्री अकाल धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दा बाबा दीप सिंह साहिब जी दा संगत रूपी परिवार शहीदां साहिब दे इस पावन पवित्र स्थान ते एकत्रित होया और हो रहा है। बेअंत परिवारक मैंबर जिथे इस स्थान ते जुड़े जुड़ रहे बेअंत परिवारक मैंबर साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम राही देशों विदेशों प्रदेशों च नगर पिंड च जुड़े जुड़ रहे हैं। सब तो पहला दोवें हाथ जोड़ के सारी संगत के चरणों के उत्ते मैं सिर झुका के मत्था टेक रहा। मेरा टेकया होया मत्था करो प्रवान आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार न लख ने जी धन बाबा दीप सिंह जी यूट्यूब का लिंक जो जो तुसी लाइव वेख रहे थोड़े तक पहुँच चुके अगे तो अगे अगे तो अगे पंजावां शेयर करो ता जो होर संगत लाहा लै सके। भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया कृपा करके जरूर कर लो। तो जिहड़ियां दो तीन आपां बेनतियां करदे हो करके शब्द पढ़ना है। पहली बेनती सुनियो तुसी जिन्हां दे कोलों प्रतिष्ठा चाहुंदे हो प्रतिष्ठा माण वड़ियाई
कि ये मेरी वडियाई करे, ये मैनू माण देवे। सुनियो, तुसी जिन्हां दे कोलों प्रतिष्ठा चाहुंदे हो, एक दिन तुसी उन्हां दे ही गुलाम बन जाओगे, क्योंकि गुलाम ही बन गए ना, वो मैनू वडियाई देवे, वो मेरी जय जयकार करे। वो जय जयकार नहीं करेगा असी दुखी होवांगे, वो माण वडियाई नहीं देवेगा असी दुखी होवांगे। इहदा मतलब साडा ध्यान तो उन्हां वाली चलिया गया, असी तो उन्हां दे अधीन हो गए, असी उन्हां दे गुलाम बन गए। उन्होंने रिमोट का बटन नपया असी खुश, उन्होंने नपया असी दुखी, असी तो उन्हां दे गुलाम बन गए ना। फिर सुनियो ध्यान नाल, तुसी जिन्हां दे कोलों प्रतिष्ठा चाहुंदे हो ना, एक दिन तुसी उन्हां दे गुलाम बन जाओगे। जे जिउंदिआं जी मुक्ति चाहुंदे हो ना, जिउंदिआं जी मुक्ति, ते प्यारे ओ किसे कोलों सन्मान की इच्छा ना रखो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। किसे कोलों भी सन्मान की इच्छा ना रखो। हाँ, जदों ओ सन्मान दवाउण ते आउणगे ना गुरु रामदास जी, बाबा दीप सिंह जी गलियां दे कख भी तुहानू सल्यूट मारनगे। ते जदों उन्होंने सन्मान नाना दवाउणा होया, सच्ची गल है गलियां दे कख तुहानू अखां विखाउणगे, जिन्हां दी औकात ही कोई नहीं, वह भी तुहाडे मूँह ते कई गल्लां सुणा के चले जाणगे। सन्मान उन्हें देना है, माण उन्हें देना है। ते जदों ओ माण देण ते आउंदा ना, निंदिया करन वाले भी पैरां च आके डिग पैंदे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, 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 धन गुरु रामदास जी। इदां कहोगे, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। नाश्ता पानी करके बैठे हो ना, है फिर आज जोर ला के बोलो, प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह, फिर आखो धन बाबा दीप सिंह। असी गुलाम किसे बंदे दा नहीं बनना, असी ते गुलाम बनना अपने मालिक दा। कहो कबीर, गुलाम घर का जी आए भावे मार, है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, जिन्हां दे कोलों तुसी प्रतिष्ठा चाहुंदे हो, उन्हां दे तुसी गुलाम बन जाओगे। जे मुकत होना चाहुंदे हो ना, मुकत मुकत, ते प्यारे ओ किसे कोलों भी सन्मान की इच्छा ना रखो, सन्मान की आकांक्षा ना रखो। अगली बेनती सुनियो, असी कई बारी ना परेशान हो जाने, मैनू फलाना दुख मिले, फलाना कष्ट मेरे ते आ गया। ये बड़े प्यारे गुरमुख जन दे बोल ने, कहिंदे जे अंदर चलण वाले साह तेरे नहीं, साह साढ़े नहीं ना, कहिंदे जे अंदर चलण वाले साह तेरे नहीं, ते बार दे दुखां नू क्यों अपना मन के बैठा है। किड्डी ये मन नू सपोर्ट देने वाली गल है, जे अंदर चलण वाले साह तेरे नहीं, ते बारले दुखां नू क्यों अपना मन के बैठा है, है जी। जिन्हें तेनों हुण तक सांभिया, उन्हें गांव भी सांभना है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। एवें दिमाग दे उत्ते बोझ ना पा, हाँ मेहनत करनी अपनी फील्ड दे विच, आलसी नहीं बनना, कारोबार करने ने, किरत कमाइया करनिया ने, पर बोझ ना पाओ दिमाग दे उत्ते। जेड़ा पत्थरां दे विच कीड़ियां नू रिजक दे सकदा, तेनों तेरे बच्चियां नू भुखा नहीं मारन लगा, है जी। जल मैं जंत उपायन तिना बेरोजी दे, उन्होंने रिजक दे सकता है, तेनों उन्हें भुखिया नहीं मारना। वो उत्ते विश्वास रख, वो उत्ते भरोसा रख। अगली गल सुनो, फिर आप शब्द पढ़ना। ये गल भी ना जेड़े गल गल दे उत्ते डिगू डिगू करते हैं ना, फलाना मेरे बारे बोल गए, फलाना मेरे बारे गल कर गए, फलाना मेरे बारे आ कहिंदा। सुनियो ध्यान नाल, टेंशन लैनियां छड्ड दिओ। किसे ने बड़ी खूब गल कही, कहिंदे अन्ने निकालदे ने नुक्स मेरे करदार दे विच। अन्ने बंदे ने ना मेरे करदार च नुक्स कढ़णगे, ये तो इदां दा ही है, पता पुता कख नहीं, वेख्या नहीं, कोल नहीं आए कदी। अन्ने कढ़दे ने नुक्स मेरे किरदार दे विच, ते बोलिया नू ये शिकायत है कि मैं गलती बोलना वा, बोलिया नू ये शिकायत मैं गलत बोलदा। सुनना उन्हां नू आप नहीं आउंदा, सुनन दी शक्ति उन्हां कोल नहीं, ते कहिंदे ये ते गलती बोलदे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। एवें दूजियां दियां गल्लां सुन के ढेंदी कला च ना जाया करो।
उन्हें इदा करता उन्हें करता लोगों का काम में कहना कही जान दो। अपना मार्ग सही रखो, अपना रस्ता सही रखो, गुरु पिता के उत्ते पूर्ण भरोसा रखो, फिर गुरु रामदास बख्शिश का खाता खोलेगा ही खोलेगा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ते जे कोई तुहानू मान लो डेगण वाला आया ना, डेगण वाला, ते ओदियां गल्लां दे प्रति तुसी बोले बन जाओ, तुसी जे अगे वधना है, शायद कई ना समझे हो। जे मान लो तुहानू कोई डेगण की कोशिश करता है, वार वार तुहानू ढेंदी कला वाले जांदा है, ओदियां गल्लां सुन के तुसी बोले बन जाओ। वो पता किवें सुणियो, ध्यान नाल। अठ दस डड्डू सी मेंढक एक छप्पड़ दे विच, ते छप्पड़ दे विच ना एक दरखत सी, एक समझाउण लई दृष्टांत है। ते सारे डड्डूआं ने ना आपस दे विच सलाह की कीती, कहिंदे जी जिहड़ा इस दरखत दे उत्ते चढ़ जाएगा ना, वह साडा हैड है, वह साडा प्रधान है, साडा डड्डू वह प्रधान है, असीं सारे उहदे अधीन चलांगे, अंडर चलांगे। बड़िया ने कोशिश की चढ़न की, दो चार स्टैप लेंदे ने डिग पेंदे, दो चार स्टैप बाद फिर डिग पेंदे। ते एक डड्डू ना ओ कोशिश की, दो चार बारी डिगया, बाकिया ने ते हार मन ली, पर इन्हें हार नहीं मनी। चढ़दा चढ़दा ना बड़ी कोशिश दे बाद, बड़ी कोशिश दे बाद, बड़ी कोशिश दे बाद प्यारे ओ चढ़ गया था। ते आपस दे विच ना जदों अजे चढ़ रहा सी ना, तां ते डड्डू रौला पा रहे, कहिंदे आ नवा कम करन लग पिया, चढ़िया जांदा नहीं इहदे कोलों दरखत दे उत्ते, एवें मेहनत करके चढ़ी जांदा, किन्नी वारी डिग पिया फिर भी चढ़न की कोशिश करी जांदा, इहनू ते चढ़ना ही नहीं आउंदा, इहदे कोलों ते चढ़िया ही नहीं जाणा, बड़ा रौला पावे। उच्ची उच्ची सारे डड्डूआं ने बड़ा रौला पाया, पर प्यारिओ ओह जिहड़ा डड्डू तां वी अपनी मंजिल ते पहुँच गया, तां वी पता क्यों पहुँचिया, क्यों पहुँचिया, वो कन्ना तो बोला सी। आखो धन गुरु रामदास जी, बाकी दे डड्डू ते ओदी निंदिया करदे सी, बाकी दे डड्डू ते ओदी निंदिया कर रहे, उन्हूं डीमोटिवेट कर रहे, डेगण दी को इहदे कोलों चढ़िया नहीं जाणा, इह नवा काम इहने शुरू करता, इहने पखंड शुरू करता दरखत दे उत्ते चढ़न दा, ओह ते रौला पा रहे सी, पर ओह कन्ना तो बोला सी, उहनूं लगदा सी इह हल्ला शेरी दे रहे ने मैनूं, है जी सारे मैनूं हल्ला शेरी दे रहे, चढ़ जाएगा कोई गल नहीं, चढ़ जाएगा। कन्ना तो बोला होण दे करके दरखत दे उत्ते चढ़ गया। प्यारे ओ अपनी मंजिल वल वधदे आ, जे कोई तुहानू वध घट बोलदा है ना, तुहानू डेगण दी कोशिश करदा, ओदियां गल्लां दी परवाह ना करो, बोले बन जाओ, है जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। पर अपना राह ना छड्डो, तुरदे चलो, तुरदे चलो, एक दिन कामयाबी तुहाडे कदम चुमेगी ही चुमेगी। आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाए। प्यार नाल फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिहड़ा मैं शब्द पढ़ना है, गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे प्यारे मिठड़े बोल, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 562 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज, सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। बड़े प्यार च ये पढ़ो पहले शब्द, फिर अरदास करन दे 13वीं जुगती अज आपां सांझी करनी, सतगुरु कराउण सेवा लैण। पहले आओ ये शब्द पढ़ना, और मैनू बड़ी ठंड पै रही, कितों कितों तुसी प्यार विच पहुँचे, जिवें भाई भुपिंदर सिंह जी दस रहे सी, पेंसिलवेनिया तो, न्यू जर्सी तो, मिडल टाउन तो, कितों कितों संगतां प्यार च अज पहुँचियां, पहुँच रही। तुसी भी जिहड़े इत्थे नेड़े रहिंदे हो, जिथे जिथे भी रहिंदे, प्यार दे बज्जे जिहड़े भी आए हो, गुरु रामदास तुहानूं सब नूं भाग लाऊं, तुहानू सब नू चढ़दियां कलम बख्शन। और प्यार विच सेवावां दा भी फिक्र तुसी रखिया होया, तुसी सेवावां दा फिक्र जिहड़े अमृतसर कारज चल रहे उन्हां दा कर रहे हो, सच्ची गल गुरु रामदास बाबा दीप सिंह ने तुहाडे फिक्र करने ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आओ पहले शब्द पढ़िए सारे, सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की सारे
हरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे सेवक की हरदास प्यारे सेवक की गज के हरदास प्यारे बोलो तू बेअंत सारे नहीं बोले बोलो तू बेअंत को बिरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाणे तू बेअंत सारे बोलो जी तू बेअंत को बिरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाणे जी गुर प्रसाद ओ गुर प्रसाद को शब्द पछाणे को शब्द पछाणे सेवक की अरदास प्यारे सारे सेवक की जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे हो जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे पुरख मेरे प्रभ दाते जिसे जनावो तिने तुम जाते पढ़ो दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते जिसे जनावो तिने तुम जाते
सदा सदा सारे बोलो मेरे नाल जी सदा सदा कोई औखे लफज नहीं सारे बोलो ओ सदा सदा वाह जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण बोलो जी मोहे निर्गुण सारे बोलो जी जी मोहे निर्गुण तेरा किता जा तो ना ही मैनू जोग कितई मैं निर्गुण आरे को गुण ना ही आपे तरस पायो मोहे निर्गुण बोलो मोहे निर्गुण सारे कहो जी मोहे निर्गुण कै नानक सब औगण मो मैं रख लियो शरणयो रख लियो शरणयो जी मोहे निर्गुण हम गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मो परम पे भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास लाखो शरणाई जी मोहे निर्गुण सारे बोलो मोहे निर्गुण सारे नहीं बोले बोलो मोहे निर्गुण निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई अगे तरस पया मेरा मत खोई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन ठीवे खरिया जी मोहे निर्गुण बोलो मोहे निर्गुण फिर बोलो गज के मोहे निर्गुण हाँ अपराधी गुणगार खो बेमुख मंदा चोरी यार जुआर खो पर कर जो गंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग दे सिठकंदा विसास काती अकिर्त कण मैं को ना रखंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा सिमर मुरीदा टाटियां सिमर मुरीदा टाटियां सतगुर बख्शंदा जी मोहे निर्गुण सारे कवो ओ मोहे निर्गुण सारे नहीं बोले गज के मोहे निर्गुण कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किस हर किया पाए कबीर कबीर मोहे निर्गुण कौ नानक सब तेरी वडे आई बोलो कौ नानक सब तेरी वडे आई कोई ना हो ना जाने मेरा जी मोहे निर्गुण फिर बोलो मोहे निर्गुण जो हमरी विद खोती मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछ तो गुर सतगुर संग की रेखम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संतापे जी मोहे निर्गुण बोलो मोहे निर्गुण गज के मोहे निर्गुण हम मैले तुम उजल करते हम मैले तुम्हें उजल करते हम मैले तुम्हें उजल करते तुम्हें उजल करते
हम मेले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर से आने, तुम सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, 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 हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, निको ठाकुर देसा, तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड ते प्राणा, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देखो मेहरबाना, मोहे निर्गुण मोहे निर्गुण तुम करो भला, हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम रखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक खम एके खवाला, राख संदन के पाछे, मोगे निर्गुण गुण किछु न जाता, नानक साधु देख मन राता, नानक साधु जी, नानक साधु देख मन राता, देख मन राता, सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गज के गुरु वाहे 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 सारे गुरु वाहे 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 गुरु गुरु तुहाडी आवाज कई ढिले हो वाहगुरु 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 अजे भी सारे नहीं बोले वाहगुरु 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 सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की बाबा अरदास प्यारे, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, धन गुरु रामदास जी, 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 धन गुरु रामदास जी,
प्यार नल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। अरदास करन दियां जुगतियां दा एक प्रकरण साडा चल रहा है। अज 13वीं जुगती दी वारी। कई प्रेमी मैं वेख रहा नवे ने, उन्हां दी भी लड़ी जुड़े। 12 जुगतियां मैं बोल के अगे 13वीं ते थोड़ा जिहा समां लावांगे कि मैं किहड़े ढंग नाल अरदास करां कि मेरी अरदास कबूल हो जाए। कई वारी साडी अरदास ओह सुण लैंदा है, जिवें बाबा आनंद सिंह साहब दा मैं बचन सुनाया सी ना, ओह सुण लैंदा अरदास। सुणदा सब दी, कीड़ी तों लै के हाथी तक सब दी सुणदा, पर सब दी मनदा नहीं। सुनण विच ते मनण विच फर्क है। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। सुणदा सब दी पर मनदा सब दी नहीं। मनदा उन्हां दी जिहड़े अंदरों प्यार दे नाल आ ढंग अपना के, जुगतियां अपना के अरदास करदे ने। 12 जुगतियां आपां सांझियां कर चुके, और इन्ने सानू मैसेज आ रहे ने। मैं गुरु दी हजूरी च कह रहा, जिथे जिथे भी संगतां यूट्यूब दे माध्यम राहीं जुड़ रहीआं, इत्थे जुड़ रहीआं, इन्नियां प्यार वालियां संगतां दे सुनेहे आ रहे कि महाराज जी दी एडी कृपा वरत रही, एडी बख्शिश वरत रही, असीं आ जुगतियां नूं हुण अपनाउणा शुरू करता है। ते सानू इन्ना भरोसा होण लग पिया कि हुण साडियां अरदासां वी मालक ने जल्दी कबूल कर लैणियां ने। ते फिर मैं उहनां नूं कईआं नूं फोन ते कहा, मैसेज दे विच कहा, मैं कहा इह ना कहो साडियां अरदासां कबूल कर लैणियां, मैं कहा इह कहो अरदासां कबूल कर लईआं ने। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡੀ ਜਲਦੀ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਓ। ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਜੁਗਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੁਗਤੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋਵੇ। ਲੋਭ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਉੱਚੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੁਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਬੁਰਾ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਨਿਆਸਰੇ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਠ ਮੰਗਤੇ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਂਜੀ ਹਾਂ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਆ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 11 ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵੱਧਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਜੁਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ? ਉੱਤਮ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ 13ਵੀਂ ਜੁਗਤੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਚ ਉਲਟੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਆਓ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 519 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵੀਂ ਜੁਗਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਓ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਹਣ ਹੈ, ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜੀ ਕੀ ਬੇਰਥਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬੇਰਥਾ ਹੋਏ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਬੇਰਥਾ ਹੋਏ, ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਬੇਰਥਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦੇ ਆ ਪਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਾਮ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 to 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹਿ ਸਕਣ, ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਫਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ 2 ਤੇਰੀਆਂ 50 ਤੇਰੀਆਂ 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 9850-99513-98150-89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ 7274000061 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।